हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 2022 के बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। पिछले 6 महीने के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको देखने वाले हैं। आप सभी के लिए आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, तो आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आपसे पूछे भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, तो राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू प्यारे दोस्तों भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। अगर आपसे पूछे जो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से संबंध रखती है और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू बनी थी। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले सुमित्रा महाजन के बारे में, तो सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे और ये दूसरी महिला लोकसभा के अध्यक्ष थे। पहली जो महिला लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार थे और मीरा कुमार का जो स्थान सुमित्रा महाजन ने ले लिया था। आप सभी को इतना आप सभी को याद रखना है राष्ट्रपति के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? जो रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता है। आप सभी को मालूम होगा ये जो मैप में रेड कलर का स्टेट देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के सीएम की अगर मैं बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं और मंगू भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। इतना आप सभी को याद रखना है मध्य प्रदेश के बारे में। देखिए महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन गए हैं। आप सभी को मालूम होगा एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं और ये महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं। अगर आपसे पूछे इन्होंने किसके स्थान पर आया है, तो उद्धव ठाकरे का स्थान ले लिया है एकनाथ शिंदे। आप फोटो देख रहे हैं, ये एकनाथ शिंदे हैं। अगला क्वेश्चन देख लो हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत के नए उपराष्ट्रपति, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ प्यारे दोस्तों भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। अगर आपसे पूछे हमारे भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति पद की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद की चर्चा किया गया है। और उपराष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। अगर आपसे ये पूछ ले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, तो ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आपसे पूछे जगदीप धनखड़, तो वर्तमान में ये उपराष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो भारत के पहले CDS कौन हैं? तो भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में अगर पूछे तो MM नरवने जो है, जनरल MM नरवने वर्तमान में CDS हैं। और अगर आपसे पूछ ले जो मनोज पांडे जो हैं, जनरल मनोज पांडे थल सेना के अध्यक्ष जो हैं, जनरल मनोज पांडे हैं। नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और VR चौधरी वायुसेना के प्रमुख हैं। दोस्तों आप सभी के लिए जो थल सेना के अध्यक्ष सेनाध्यक्ष होते हैं ना, उसके नाम के आगे जनरल लिखा जाता है, और जो वायुसेना होते हैं यानी कि नौसेना जो होते हैं, वायुसेना के नाम के आगे एयर मार्शल लिखा जाता है, और जो नौसेना होते हैं उसके प्रमुख के नाम के आगे एडमिरल लिखा जाता है। ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर जो है नीति आयोग के CEO बने हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछे नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं हमारे प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है?
तो महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जो शहर है इसका नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो उस्मानाबाद शहर है इसका नाम जो है हैदराबाद के अंतिम शासक जो थे जो मीर उस्मान अली खान इसी के नाम पर रखा गया है उस्मानाबाद शहर का नाम। अगर आपसे पूछे उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, धाराशिव, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लो हमारा, जो G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। अमिताभ कांत दोस्तों G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा बने हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, देखिए भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो राजीव कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बन गए हैं। अगर आपसे ये पूछ ले भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन हैं, तो आरके गुप्ता भारत के नए उप चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, अगला क्वेश्चन है ICC T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगर मैं बात करूं इसका संस्करण कौन सा था, तो 8वां संस्करण था। अगर आपसे ये पूछ ले ICC पुरुष T20 विश्व कप का 2022 का विजेता कौन रहा, तो ऑस्ट्रेलिया जो ICC पुरुष T20 विश्व कप का विजेता रहा। अगर आपसे ये पूछ ले ICC महिला विश्व कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो न्यूजीलैंड में हुआ था। काफ़ी ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, चाइना में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसका संस्करण 24वां संस्करण था, जो 23वां जो शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2018 में जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, दक्षिण कोरिया के जो प्योंगयांग में आयोजित हुआ था, ये भी आपसे पूछ लिया जाए तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका संस्करण 9वां संस्करण है, आप सभी को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमालिया देश हैं इसके नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं हमजा अब्दी बर्रे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमजा अब्दी बर्रे। अगर आपसे पूछे सोमालिया किस महाद्वीप पर स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप पर सोमालिया स्थित है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे ये जो देश है अफ्रीका महाद्वीप में, ये सोमालिया है, ये जो रेड कलर का, ये सोमालिया देश है। और सोमालिया देश के प्रधानमंत्री हमजा अब्दी बर्रे बन गए, ये फोटो आप लोग देख पा रहे होंगे। सोमालिया की राजधानी कहाँ पर है, योगादिशु। और सोमालिया की मुद्रा का नाम सोमाली सिलिंग है। हसन शेख महमूद यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है सोमालिया के। अगला क्वेश्चन देख लो हमारा, अगला क्वेश्चन है भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड दोस्तों भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश बन गया। अगर आपसे पूछे एशिया का जो एशिया महाद्वीप में स्थित है कौन, थाईलैंड, आप सभी को मालूम होगा। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाई बात जो है यहाँ की मुद्रा का नाम है। यहाँ के प्रधानमंत्री प्रयुत चान योच हैं। और ये झंडा आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये थाईलैंड का फ्लैग है। अगला क्वेश्चन देख लो हमारा, टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को टाटा IPL 2022 का जो 7 विकेट से जो है हराकर IPL 2022 का खिताब जीत लिया है। जो टाटा IPL 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था, जो भारत में हुआ था, संस्करण 15वां था, आप सभी लोगों याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लो हमारा, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल जो दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल पदार्थ दूरबीन स्थापित करेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगर आपसे पूछ ले भारत के 74वें ग्रैंड जो मास्टर कौन बने हैं, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं राहुल श्रीवास्तव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे भारत के 73वें जो ग्रैंड शतरंज ग्रैंड मास्टर थे कौन थे, भरत सुब्रमण्यम। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, आप सभी लोगों को मालूम होगा 1978 के अंदर जो है। अगला है टूर्नामेंट, जो फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। अगर आपसे पूछे शुभंकर, तो शुभंकर ईवा हो जाएगा और ईवा एक शेरनी है, और ये संस्करण आपसे पूछे तो 7वां संस्करण हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 की जो महिला एकल का खिताब किसने जीता है, जो ईगा स्वीटेक है, पोलैंड की खिलाड़ी हैं ये ईगा स्वीटेक, इन्होंने ही टेनिस फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल खिताब का जीता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले महिला युगल का खिताब किसने जीता, जो कैरोलिन गार्सिया और क्रिस्टलिना मलादेनोविक जो फ्रांस की खिलाड़ी हैं, इन्होंने महिला युगल का खिताब जीता। अगर आपसे पूछे पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है, तो मार्सेलो येरोवलो जो है ये अल सलवाडोर के खिलाड़ी हैं, और जीन जो है जूनियन रोजे जो कि नीदरलैंड की खिलाड़ी हैं, यही दोनों ने पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, जो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों भारत के सबसे बड़े जो बैंक हैं भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, आलोक कुमार चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले SBI की स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को इसका स्थापना होता है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, और भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, और दिनेश कुमार खारा यहाँ के अध्यक्ष हैं। और टैगलाइन जो है भारतीय स्टेट बैंक का, द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन देख लो हमारा, जो स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा राज्य एशिया में पहले स्थान पर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केरल। केरल जो है स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार केरल भारत का सबसे जो है एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है, आप सभी लोग याद रखने हैं यहाँ पर। अगर आपसे पूछ ले नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग यानी कि जम्मू कश्मीर PCS के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो सतीश चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो हमारा, जापान के जो फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया की सबसे जो है तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रंटियर। फ्रंटियर कहाँ की सुपर कंप्यूटर है, अमेरिका की सुपर कंप्यूटर का नाम फ्रंटियर है, और ये जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज जो है सुपर कंप्यूटर बन गया है। ईरान के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, सिमुरथ। और जियू झांग जो है चीन के सुपर कंप्यूटर का नाम है, भारत की सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि नाम है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा। नासा जो स्पेस एजेंसी है, अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा है, और इन्होंने जो है चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक जो है अंतरिक्ष यान लॉन्च की है। अगर आपसे नासा के बारे में पूछ ले तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना होता है 29 जुलाई 1958 को, और Washington DC इसका मुख्यालय है। बेल नेल्सन जो है यहाँ इसके जो है अध्यक्ष का नाम है। अगला क्वेश्चन देख लो हमारा,
अगला क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना किस सरकार ने शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू किया है। आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, GST दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर डे कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, GST डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू किया गया और 161वां देश बन गया है भारत GST लागू करने वाला, असम जो राज्य है GST लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत GST परिषद का गठन हुआ है? तो आर्टिकल हो जाएगा, यहाँ पर गलत लिखा गया, 279 का ये के तहत GST का गठन किया गया है। भारत में GST लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने जो है GST लागू करने का सुझाव दिया था। इतना आप सभी को याद रखना है GST के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लो हमारा, जो 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी। जर्मनी जो है, जो G7 शिखर सम्मेलन, 48वें जी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया करेगा। और अगर आपसे पूछ ले भारत की ओर से अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका अध्यक्षता कर रहा है, और ग्रुप 7 यानी कि G7 का जो फुल फॉर्म होता है ग्रुप 7 है, और इसमें 10 देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, जापान, अमेरिका और कनाडा, ये 7 देश इसके सदस्य देश हैं। और G7 शिखर सम्मेलन जो पहला हुआ था फ्रांस में हुआ था 1975 में, और अगर आपसे पूछे भारत इसका सदस्य है क्या, तो भारत इसका सदस्य नहीं है, आप सभी लोग याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली के अंदर है, यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और आज का अंतिम जो सवाल है, राज्य में जो जातीय जनगणना करने का फैसला लेने वाला देश का दूसरा राज्य बिहार बन गया, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी तक पढ़े हैं वो सारे क्वेश्चन को आइए हम लोग रिवीजन के तौर पर रिवीजन कर लेते हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो मध्य प्रदेश ने। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जगदीप धनखड़ जो हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। भारत के पहले CDS हैं जनरल बिपिन रावत। परमेश्वर अय्यर जो है नीति आयोग के CEO हैं, और महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया है। अगला क्वेश्चन देख लो, जो G20 शिखर सम्मेलन जो है, भारत के नए शेरपा कौन बने? अमिताभ कांत, राजीव कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं, नए चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार बन गए हैं। और ICC T20 जो विश्व कप 2024 की मेजबानी अमेरिका और वेस्टइंडीज करेगा, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन चीन के बीजिंग में हुआ। और महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेगा, ये भी आप लोग याद रखो, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री हमजा अब्दी बर्रे हैं, और भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया? थाईलैंड, आप सभी को मालूम होगा। और टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइटन्स ने। जो भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल जो दूरबीन कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन है, भारत के 74वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फुटबॉल टूर्नामेंट जो फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर भारत हो जाएगा। और टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जो एगा स्वीटेक हो जाएगा, इसका राइट आंसर, और ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं।
ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? आलोक कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा राज्य एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष सतीश चंद्र बन गए हैं। जापान के जो फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर हो जाएगा, जो कि अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक जो अंतरिक्षयान लॉन्च किया है? तो नासा जो स्पेस एजेंसी अमेरिका का है, इन्होंने जो कैपस्टोन नामक अंतरिक्षयान लॉन्च किया है। तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? कर्नाटक राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो हमारा, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 1 जुलाई को मनाया गया। 48वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। राज्य में जो जातीय जनगणना, यहाँ गणना नहीं होगा, जनगणना करवाने का फैसला देने वाला देश का दूसरा राज्य बिहार बन गया है, इतना आप सभी को याद रखना है। आज के जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। ये जो राज्य में जातीय जो जनगणना करवाने का फैसला जो देने वाला जो दूसरा राज्य कौन सा बन गया, इसका क्या राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है और भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये तीनों का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। जो लोग इसका सही आंसर देंगे उसके कमेंट को लाइक किया जाएगा और उसका कुछ जवाब दिया जाएगा। तो आप सभी के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।